हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे चैनल पे बात करने वाले हैं इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स की। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी जो वैक्सीन है वो किस तरह से काम करती है। ओके, तो इसमें भी हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे कि आपको इजी रहे लर्न करने में कि कौन सी बैक्टीरियल किल्ड है, बैक्टीरियल लाइव है, वायरल किल्ड, वायरल लाइव, इस तरह से हम इन्हें लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिक देख लेते हैं CPTP की बैक्टीरिया। ओके, CPTP की बैक्टीरिया आपको ऐसे याद रखना है। तो इसमें CPTP से क्या आ जाएगा? कॉलेरा, पर्टूसिस, टाइफॉइड, प्लेग। तो की से आ जाएगा किल्ड इनएक्टिवेटेड, देन बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरियल सस्पेंशन। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, बैक्टीरिया के लिए आ गया CPTP की बैक्टीरिया। ओके, देन नेक्स्ट आ गया प्राइम की वायरल। ओके, प्राइम की वायरल में आ जाएगा PSA, पोलियो, रुबेला, इन्फ्लुएंजा एंड मेजल्स। तो प्राइम की वायरस, ठीक है, प्राइम से पी से आ गया पोलियो, रुबेला, इन्फ्लुएंजा और मीजल्स। तो की से आपका क्या आ जाएगा? किल्ड इनएक्टिवेटेड। ओके, देन वायरल से आपको याद रह जाएगा कि ये वायरल सस्पेंशन होती है। ओके, तो CPTP की बैक्टीरिया एंड प्राइम की वायरल, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट आ गया BCG, BCG लीवा ए, ठीक है, BCG लीवा बी, सॉरी। तो BCG लीवा बी में क्या आ जाता है कि BCG जो है उसकी फुल फॉर्म होती है बेसिलस कालमिटे ग्यूरिन, और उसकी लीवा ए मतलब लीवा लाइव अटेनुएटेड। ओके, लीवा लाइव अटेनुएटेड, और बी से लीवा बी से याद आ जाएगा बैक्टीरियल होती है ये। तो BCG जो है एक बैक्टीरियल वैक्सीन है जो कि लाइव अटेनुएटेड बैक्टीरिया को यूज़ करके बनाई जाती है। देन नेक्स्ट आ जाता है सिंपला वी, ठीक है। सिंपला वी में क्या आ जाता है हमारा, ये भी एक ट्रिक है, सिंपला वी। तो सिंपला वी में क्या आ जाता है? स्मॉल पॉक्स, एस से स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, मीजल्स और पोलियो। तो दो चीज़ें आप ये याद रख सकते हैं। देखिए, जो सिंपला वी है, ठीक है, उसमें क्या होता है? किल्ड इनएक्टिवेटेड वायरल सस्पेंशन भी बनती है उसकी, और लाइव अटेनुएटेड वायरल सस्पेंशन भी बनती है। तो दो चीज़ें यहाँ देखना, मीजल्स और पोलियो यहाँ भी है एंड मीजल्स और पोलियो यहाँ भी है। तो सिंपला वी में क्या बन जाएगा? इसकी लाइव अटेनुएटेड वायरल सस्पेंशन भी बन जाएगी और किल्ड इनएक्टिवेटेड वायरल सस्पेंशन भी बन जाएगी। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है डीटी टॉक्साइड में हमारे पास क्या जाता है? डेप्थीरिया और टेटनस। ओके, डेप्थीरिया और टेटनस के हम यूज़ करते हैं टॉक्साइड्स, ठीक है। जो ये टॉक्साइड्स होते हैं ये किस तरह से बनाए जाते हैं कि इन्हें फॉर्मल्डिहाइड के साथ इनक्यूबेट कर लिया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास DBAT। ओके, DBAT, इसको तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है। DBAT मीन्स कि दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये होते हैं एंटी टॉक्सेंस। तो DT आगे टॉक्साइड और DB आगे एंटी टॉक्सिन। तो D से आगे आपका डिप्थीरिया, इसमें इसका टॉक्साइड भी बनता है और एंटी टॉक्सिन भी बनता है। देन B से आगे आपका बोटुलिनियम एंटी टॉक्सिन। अब जो ये बोटुलिनियम एंटी टॉक्सिन और डिप्थीरिया एंटी टॉक्सिन है, तो एंटी टॉक्सिन आप याद रखिए कि ये किसी एक एनिमल को यूज़ करके ही बनते हैं। ओके, तो एनिमल हम ज़्यादातर इसमें क्या यूज़ करते हैं? हॉर्स को यूज़ करते हैं। तो हम इसे चलिए रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया आपका CPTP की बैक्टीरिया, सी से आ गया कॉलेरा, पर्टूसिस, टाइफॉइड एंड प्लेग, और इनकी किल्ड इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया। देन प्राइम की वायरल, पोलियो, रुबेला, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ठीक है, ठीक है। KI से आ गया किल्ड इनएक्टिवेटेड वायरल। देन BCG लीवा बी से आ गया कि BCG जो है वो लाइव अटेनुएटेड बैक्टीरियल है। देन सिंपला वी से आ गया कि स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, मीजल्स और पोलियो ये क्या है? लाइव वायरल है। ओके, ये बैक्टीरियल है, वायरल है। देन आ गया आपका DT टॉक्साइड मतलब डेप्थीरिया और टेटनस। या आपने सुना भी होगा कि TT का इंजेक्शन लगता है तो टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन होता है वो, ठीक है। देन आ गया आपका डिप्थीरिया और बोटुलिनियम
एंटी टॉक्सेंस। ये किससे बनते हैं? एनिमल से बनते हैं। टॉक्सॉइड का याद रखिए कि ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसको ट्रीट किया जाता है। तो ये भी कई कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो टॉक्सॉइड होते हैं उनको किस चीज़ के साथ इनक्यूबेट किया जाता है, तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि HPSSSB के एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। तो इनको आप ज़रूर लर्न कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।